जीव संसार में परिभ्रमण करता है जब तक कर्म का संबंध रहता है तब तक वह दुखी रहता है और कर्मों से मुक्त होने के लिए धर्म करना पड़ता है। जो व्यक्ति सुख चाहता है उसके लिए बताया है धर्म के बिना सुख नहीं मिलता। चार गतियों का वर्णन चल रहा है, उसमें पहला तीरेंच गति, बाद में नरक गति के बाद मनुष्य गति का वर्णन चल रहा है। कल बताया था कि संसारी जब मनुष्य का जन्म होता है गर्भ जन्म होता है, शुक्र और शनि का जो मिश्रण है उसी को गर्भ बोलते हैं। माँ के उदर में जब वो जीव प्रथम समय में जब आता है तो वहां से उसका विकास शुरू होता है। पहले दिन से लेकर 9वें महीने तक क्या क्या होता है कल बताया था, और ऐसा जीव 9 महीने तक यानी सामान्य से कितने दिन 270 दिन तक गर्भ में निवास करता है और शरीर को सुकड़ते हुए रहने के कारण उसको दुख हो जाता है और वहां से जन्म लेते समय जो भयंकर दुख होता है उन दुखों का कहने के लिए अंत नहीं है। यानी इतना दुख वहां बहुत हो जाता है और उस वेदना को इतना सहन करता है और लेकिन बाद में सब भूल जाता है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो अपने पीछे के बाद जन्म समय की उसको मालूम नहीं होती है, अज्ञानता के साथ होता है लेकिन वहां दुख बहुत होता है। अब कहते हैं ये भी याद रखना है, कई लोगों को कल जब गर्भपात की बात बताए थे अज्ञान के साथ किया हुआ है, अब हमें ज्ञान हो गया है तो भी प्रायश्चित लेकर अपने को शुद्ध बनना चाहिए। क्योंकि जैनाचार्यों ने हम लोगों के लिए भगवान की वाणी है कि व्यक्ति गलती कर सकता है और गलती करने के बाद मालूम हो गया ये हमारा गलत हो गया, उसी के लिए आचार्य प्रायश्चित देकर उसको शुद्ध बनाते हैं। क्योंकि व्यक्ति पश्चाताप करता है, वो कहता है कि मैं इतना करता हूँ मुझे जानकारी नहीं थी, अब मुझे जानकारी हो गई, अब मैं इसके बाद नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन जो पहले हमने किया है उसके लिए मैं प्रायश्चित लेंगे। और ये भी हमने कल कहा था समीचीन वैद्य हो तो स्वास्थ्य ठीक होता है, उसी तरह अच्छे समीचीन गुरु से ही प्रायश्चित लेंगे तो शुद्ध हम बन सकते हैं, तो लेंगे अच्छा रहेगा और इसके कारण आगे विकल्प नहीं रहेगा और इसके द्वारा जितनी भी हमारी निर्जर हो जाए जो भी क्रिया प्रायश्चित है उपवास है आदि जो भी देते हैं नमोकार मंत्र का जाप देते हैं या पूरा उपवास देते हैं अपनी उम्र को देखकर करने का कारण भी जाना जाता है। क्योंकि बच्चों का विकास नहीं हुआ इसीलिए भी कई लोगों को करना पड़ता है
और कहीं लोग गर्भपात करते, दोनों में अंतर है। क्यों करना पड़ा? उसका विकास नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कहा इसलिए। लेकिन ये भी किया तो इसमें भी पाप है, क्योंकि जीव तो जीव है। ये हिंसा कौन सी है? गर्भपात चार प्रकार की हिंसा है, एक संकल्प हिंसा, आरंभ हिंसा, उद्योग हिंसा और आरंभ हिंसा, संकल्प हिंसा, उद्योग विरोधी हिंसा। तो ये श्रावक के एक हिंसा का तो त्याग होता है, कौन से? संकल्प हिंसा का त्यागी होता है वो। और गर्भपात इस संकल्प हिंसा में आता है, और इसीलिए उसका प्रायश्चित करके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपना जीवन अपने हाथ में रहता है। हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें, मन नहीं मानेगा, तो भी कोशिश करते हुए धर्म करेंगे, क्योंकि अनंत काल से आए हैं संसार में, और ऐसे करने के कारण विषयों के पीछे व्यक्ति नहीं समझ पाता। कहीं लोग कहते धर्म का ज्ञान नहीं होने कारण ऐसा होता है, क्योंकि मैंने बाहुबली के शिविर में जब एक दिन बताया था यही विषय, तो इतनी महिला घबरा गई थी, वो कहते हमें तीन तीन चार चार किए हैं, इतने लोगों ने किया है, वो कहते हमें पता ही नहीं इतना बड़ा पाप है ये, यानी लोग जानते नहीं, इसी कर वो करते हैं, अब पश्चाताप होने लगा उनको। तो इसीलिए याद रखना है अपने को कि लेकर अब शुद्ध बनेंगे, क्योंकि आगे का जीवन हम बहुत सुधारना है, क्योंकि वर्तमान को जितना हम सुधारते जाए, जितना संभलते जाए, उतना हमारा भविष्य भी सुधर जाता है। तो उस गर्भनिवास और प्रसव काल के दुखों का वर्णन के बाद अब बताया जाता है कि मनुष्य गति में बाल्यावस्था है, जवानी है और बुढ़ापे के दुख क्या होते हैं। बालपन में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो, बालपन में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुणी रत रयो, तक सम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो, जीवन में तीन अवस्थाएं होती है। एक बचपना होता है जिसको बाल्यावस्था कहते हैं, एक यौवन अवस्था होती है और एक वृद्धावस्था होती है। तो बालपन में ज्ञान नहीं पाया और तरुण समय जवानी में तरुणी रत अन्य विषयों में लीन रहा, और बूढ़ापन में वृद्धावस्था में अर्धमृतक सम अने अधमरे के समान रहा, ऐसी हालत में वह जीव अपनी आत्मा का स्वरूप किस प्रकार देख सकता है, अने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता वो, क्योंकि बालपन में विवेक नहीं होता है, अज्ञानता रहती है। क्योंकि बालावस्था में जो भी वो क्रिया करता है,
देख लेना छोटे बच्चे, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रहता क्योंकि विवेक नहीं होता उसके पास। उसके हाथ में कोई वस्तु दे देना, हाथ में वस्तु लेती पहला क्या करता है वो, मुंह में धरता है। वो पदार्थ हो या कोई भी वस्तु हो, चप्पल भी हाथ में दे दो यानी लेता है, वो खिसकते खिसकते जाता है और चप्पल लेता है, क्या करता है मुंह में ही डालता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके कारण विवेक रहित होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण वो करता है। और भूख प्यास लगने पर उस वचनों को व्यक्त नहीं कर पाता, और उसके कारण सामर्थ्य होने के कारण भूख आदि को उसको सहन करना पड़ता है। वो मांगता नहीं, वो रोने के बाद माँ समझदार हो तो दे देगी उसको, अगर समझदार नहीं है तो उसको देगी नहीं, इसको भूख लग। अब गर्मी की दिन है, रो रहा है तो उसको ये दिखाती वो दिखाती लेकिन शांति नहीं बैठता। अब गर्मी की दिन है तो क्या देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा उसको। अगर ये समझदार हो तो दे देगी, और नहीं हो तो बस वो रोता रहेगा। और उसको कभी कभी जब ये रोग होता है, और रोग होने पर माँ को सही जानकारी नहीं होने के कारण विपरीत औषधि भी दे सकते हैं, उसके कारण उसको दुख हो सकता है। और अज्ञानता के कारण मल है और भी विष्ठा आदि में क्या करता है, वो मूत्र में लिप्त रहता है, और कभी कभी हाथ आदि पैर को लगता हाथ मुंह में भी लेता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। और बालावस्था में असमर्थता के कारण अनेक बार गिरता है, चोट लगती है, दुख होता है, ऐसे दुखों को वहां सहन करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है दूसरों के निमित्त से उसकी भी पिटाई होती है, जैसे माता पिता है, माता पिता क्या किए एक दूसरे से कुछ बोल रहे हैं, जब समय में समन्वय नहीं होता तो जोरों से चर्चा होती है उनकी, वो उसको बोलते हैं ये इसको बोलते हैं, और दोनों के क्रोध बढ़ गया है और बीच में वो रोता है, तो कौन किसको मारता है, एक दूसरे को ये नहीं मारते बेचारा बीच में बैठा है एक चाटा दे देंगे, क्योंकि दोनों का क्योंकि किसके ऊपर राग नहीं करेंगे, तो बीच बैठा है वो तो उसको एक जोर से मार देंगे, तो बस दोनों के कारण क्रोधित होने के कारण बीच में उसकी पिटाई होती है। अब वो किसको बताएगा, मेरी का गलती पूछेगा क्या, वो और रोएगा। तो ऐसे ही होते हुए उस सब सहन करना पड़ता है, और ऐसे ही अज्ञानता के कारण ज्ञान नहीं होने कारण वहां दुख हो जाता है। और जब जवानी में आ जाता है तो पंचेंद्रिय विषयों में लीन होता है, समय होता है धर्म का भी हो, लेकिन नहीं जानने के कारण यौवन अवस्था में कुसंगति में पड़कर व्यसनों में भी व्यसनों का भी वो सेवन कर सकता है, और व्यसनों में अपना जीवन व्यतीत कहीं समय तक आता है, क्योंकि जिन परिवार में संस्कार नहीं होता, घर में पैसा बहुत है तो देख लेना बच्चे बहुत व्यसनी होते, और वो व्यसनों के पीछे इतना अपना जीवन बर्बाद कर देता है, और उस जवानी में भी निकल सकता है यहाँ संसार से, क्योंकि हमारे दो चातुर्मास हो गए सिरटी में और सिरगुप्पी में, हमने देखा चातुर्मास में कि कम उम्र में बच्चे चले गए, शादी हुई है एक दो बच्चे है वो चला गया 40-45 साल में, क्यों चला गया, व्यसनों के कारण, क्योंकि शराब पीने से एक बार शराब पीने से 50 मिनट आयु कम होता है, बीड़ी है सिगरेट है तम्बाकू है, इसके द्वारा जीवन हम पूरा बेच देते हैं, समझता नहीं हो, और पंचेंद्रिय विषयों में और एक बार उस संसार में प्रारंभ हो जाता है तो धर्म कर्म करता ही नहीं, और इतना करने के बाद लगता है हम बाद में करेंगे लेकिन बाद में कुछ होता नहीं। तो तरुण समय यानी
जवानी में विषय में रहता है और सदा कलह है, दुखी होता, रोग होता है और संताप के कारण, और कभी कभी आजीविका का साधन नहीं मिलने पर भी सर्वत्र तिरस्कार को प्राप्त होता है और धर्म का स्वरूप नहीं जानकर निरंतर भोगों में ही रमता रहता है, जवानी में भोगों में ही रमता रहता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने सुनीति शतक में लिखा है, भोगी बनकर भोग भोगना भव बंधन का हेतु रहा, और योगी बनकर योग साधना भव सागर का सेतु रहा। यानी भोगी बनकर भोग भोगना किसका हेतु है? बंध हेतु है। भोगी बनकर भोग भोगना भव बंधन का हेतु रहा, और योगी बनकर योग साधना भव सागर का सेतु रहा। तो भव के बंधन के हेतु रहा और उसी को भोगता जाता, कर्मों का और बढ़ाता जाता है, क्योंकि जवानी में धर्म कर्म बहुत कम लोगों को दिखता है, और उस धर्म कर्म संस्कार नहीं होने कारण धर्म कर्म नहीं करता, पूरा जीवन इसी में व्यतीत करता है, और इसी के कारण वह दुखों को प्राप्त होता है। और ये भी याद रखना, भोगी कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भोगात अशांति और उस योग में शांति होती है, क्योंकि अशांति है। जैसे आचार्यिक शब्द बताया है कि अग्नि में घी डालने के बाद बुझेगी क्या? अग्नि में घी डालने के बाद अग्नि कभी भी नहीं बुझती, तो इसी तरह पंचेंद्र विषयों के द्वारा कभी भी तृप्ति नहीं होती। तृष्णा वर्धक अतृप्ति कारक कुगति प्रदायक और नाशवान कहा जाता है पंचेंद्र विषय, क्योंकि रत्नकर श्रावकाचार्य ने हमें पढ़ के आए हैं कि संसार का सुख कैसा होता है, कर्म परवसे शांते दुखेरंत ऋतोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षना स्मृता। कौन से अंग में आया है? निकांक्षित अंग में आया है, कि कर्मों के अधीन अंत से सहित दुख से मिश्रित और पाप का बीज कौन है? पंचेंद्र विषय। यानी इंद्रिय विषय जो होता है वह कर्म के अधीन होता है और नियम से अंत से सहित होगा और दुख से मिश्रित होगा और वह पाप का ही बीज है, लेकिन जवानी में पुण्य पाप देखने के लिए समय ही नहीं मिलता, और ऐसे करते हुए वे तरुण समय तरुणी रत रहो और अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, जब शरीर में चेतना रहते हुए भी मृतक के समान बनता है, जिसको बोलते अधमरे। तो ऐसे लौकिक तथा पर सभी कार्यों को करने में वह असमर्थ हो जाता है, अब क्रिया नहीं कर पाता, घर में रहता है लेकिन इंद्रिया क्या बन गई? शिथिल बन गई। तो इसके कारण सुनने को नहीं आता, देखता नहीं, और इस कारण भोजन भी करता है पचता नहीं, अब सब शिथिल हो गया। इसके कारण धर्म कर्म कर नहीं सकता हो, इतना कर सकता है थोड़ा सा जाप, माइंड थोड़ा सा ठीक हो तो कर सकता है, बाकी की क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि शिथिल हो गया। कहा जाता है कि अधमर्या ने एक पैर घर में है और एक पैर का नदी के स्मशान पास, एक पैर नदी के स्मशान में है पास वहां और एक घर में। यानी मराठी में कहा जाता है कि घर में है लेकिन का असुन नसुन सारक, है घर में है भी और नहीं भी, कुछ काम के है नहीं वो, क्योंकि इंद्रिय स्थिर होने कारण धर्म नहीं करने कारण, और ऐसे पैरों में शक्ति, पैरों की शक्ति क्षीण हो जाती है और कानों में सुनाई नहीं देता, जिसे अपने हित की बात वो सुन नहीं पाता, सुन ही नहीं पाता। जब सुनने का समय था, जब कहा था कि ये सुनो, जो नहीं सुनना चाहिए वही सुना,
ये देखो मत कहा था उसको ही देखा, और जो बोलो मत कहा था वही बोला, यानी विरुद्ध में काम किया। अब करना चाहता है धर्म, अब घर में से इच्छा हो जाती है हमें शिखर जी जाना है, और शिखर जी नहीं आदिनाथ भगवान का दर्शन होना मुश्किल है। अब घर से मंदिर तक आना मुश्किल है, अब शिखर जी तो गया, जब जवानी थी जब समय था तब किया नहीं, तो बाद में व्यक्ति करने की भावना करता है समय निकल जाने के बाद, लेकिन उस वक्त कौन सा भी कार्य कार्यकारी नहीं होता। तो ऐसे उस इंद्रिया शिथिल हो जाने के कारण साधना करने के योग्य नहीं होता, और इसीलिए कहा जाता है कि अपने स्वरूप का ज्ञान कब होगा। पहला रूप क्या है, स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान ही नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसका भी ज्ञान नहीं, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में पूरा शास्त्र लिखने के बाद अंत में कहते हैं कि जीवन चान्य पुद्गल इत्यसो तत्व संग्रह, जीव अलग है और शरीर अलग है, यही तत्वों का संग्रह है। शास्त्र का सार क्या है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, ये ज्ञान हो गया तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। लेकिन ये अगर ज्ञान नहीं, शरीर को आत्मा के साथ जो संबंध है वो अनादि काल से है, और इसको हम शुद्ध बना सकते, अगर इसका हमें ज्ञान नहीं है तो हम तत्व क्या जान सकते। आत्म तत्व को जानना यानी अपने अपने को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसके पहले भी बताया था, क्योंकि खुद का अपरिचय ही दुख का मूल कारण है। जब तक स्व का परिचय नहीं होता तब तक संसार में वो भटकता है, और इसलिए हम मेरे पर दूसरों के एड्रेस बहुत है, दूसरे का परिचय बहुत हो गया लेकिन खुद का परिचय नहीं हुआ। और खुद का परिचय कब होगा, जब हम धर्म को समझेंगे, तत्व को जानेंगे और उसके अनुसार जीवन में जो उतारेंगे तब होता है। लेकिन कैसे रूप लखे अपनों, क्योंकि अब शिथिलता हो गई, असमर्थता हो गई और व्यर्थ में जीवन खो दिया। जीवन क्या किया, खो दिया। अब देखो बूढ़ा व्यक्ति 80 साल तक वाला एक समझ लो, 80 साल व्यक्ति को जो पूछेंगे उम्र कितने तो कितना बताएगा, 80 साल बताएगा, तो 80 साल में से 40 साल किसमें गए, सोने में गए, 40 साल सोने में गए, अब कितने बच गए, 40 बच गए, उस 40 में से 20-25 साल पढ़ाई में गए, गया, अब कितने रह गए, 40 में से 20 समझ लिया, 25 कितना जाना, 20 का 25 चाहिए, 25 चाहिए क्या, 20 में तो 20 में चलो, 20 में कुछ नहीं होता, 25 तक जाना पड़ेगा, तो 25 तक चला गया तो कितने रह गए, 15 रह गए। अब 15 में से स्नान करना है, कपड़े बदलना है, दर्पण के सामने दो दो एक एक घंटा बैठना है, हाँ ये हो गया। अब इसमें से और निकल गए, बाद में गृहस्थी शुरू हो गई, गृहस्थी के लिए समय दिया, तो आचार्य कहते अब धर्म का स्मशान में करेंगे क्या, कितना चला गया। और उसमें ये सिर्फ रात को सोने वालों के लिए 40 निकाला है, दिन में सोने वालों को और निकालना पड़ेगा, दोपहर को अगर एक एक दो दो घंटा सोते हैं ना वो भी डालना पड़ेगा। तो ऐसे करते हुए तो धर्म कब करेंगे, तो धर्म को समय पर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ लहे खोई न दोजी बार, और पक्का फल जोग गिरे गिर गया फिर न लगे डार। क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है तो दूसरी बार मिले इसकी गारंटी नहीं। उसके लिए उदाहरण बताते कि जो पका हुआ फल गिर जाता है तो दूसरी बार उसको
चिपका नहीं सकते, यानी पुनः उसको चिपक नहीं सकता, नहीं इसकी गारंटी नहीं कि मनुष्य जन्म हमें मिले ही। तो उसी तरह 84 लाख योनि में मनुष्य गति में हम आए और उच्च कुल मिला है। धर्म कर्म समझने का समय है, जो करना चाहिए वो करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, जो साथ में लेके जाना नहीं उसको कमा रहे और साथ के लेके जाने वाले को काम ही विषय नहीं। हमारा मुख्य धर्म रहता है, साइड बिजनेस वो होता है बाकी का कार्य संसार का। अब क्या किया, संसार का काम जो है साइड बिजनेस उसको मुख्य बनाया और धर्म को साइड बिजनेस यानी सौड़ीच धर्म। सवर जब मिलेंगे तब भ्रमण करेंगे और मुख्य जो कार्य करना है वो हम नहीं करते। इसी के कारण अपने स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे अर्धमृतक होते हुए अपनी आयु समाप्त कर जाता है। क्योंकि जलते हुए दीपक को एक दिन बुझना पड़ेगा, जलते हुए दीपक को एक दिन बुझना पड़ेगा। हमारा जन्म हुआ है तो एक दिन हमारा मरण नियम से है, तो भी मरण आने से पहले अगर हम सावधान रहेंगे तो हमारा आगे का जीवन उज्जवल भविष्य हमारा बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो ऐसे मनुष्य गति के दुखों का वर्णन हो गया। अब अंतिम गति चौथी गति देव गति का वर्णन बताया जा रहा है। कभी काम निर्जरा करे भवना त्रिकमे सुरतन धरे विषय चाह दावान लदयो विलाप करत दुख सयो कभी काम निर्जरा करे भवन त्रिकमे सुरतन धरे विषय चाह दावान लदयो मरत विलाप करत दुख सयो पढ़ेंगे कवि पर्याय में सामान्य से दुखों का वर्णन अभी किया है। क्योंकि इष्ट का वियोग होने के बाद भी वहां दुख होता है, पुत्र पितादि के कारण, अनिष्ट संयोग के कारण भी होता है, संतान संबंधी भी होता है। क्योंकि संतान अगर संतान के अभाव में भी होता है और संतान अगर हो भी जाए और व्यसनी हो जाए तो भी संताप होता है। दरिद्रता के दुख है, मानसिक दुख है, ऐसी कहीं दुख है। अब देवगति में हम कहते हैं देवगति में दुख है क्या नहीं, तो देवगति में भी दुख है। और कहते हैं कि किस जीव ने, कौन से जीव ने, इस जीव ने, अपने को लेना है दूसरों को नहीं लेना यहाँ। तो इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा की और अकाम निर्जरा होने पर मरण हो गया और उसमें वो भावना त्रिक में यानी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषकों में सुर यानी देव देव पर्याय को धारण किया और वहां भी विषय चाह पंचेंद्र विषयों की चाह रूप दावानल में यानी अग्नि में जलता रहा और मरते समय विलाप करता हुआ यानी रो रो कर दुखों को सहन किया। निर्जरा अकाम निर्जरा
और सकाम निर्जरा दो होती है। पहला निर्जरा किसको कहते हैं जानेंगे, आत्मा के साथ पूर्व में बंधे हुए कर्मों का एक देश झड़ जाना निर्जरा है। आत्मा के साथ पूर्व में बंधे हुए कर्मों का एक देश झड़ जाना निर्जरा है। और यह निर्जरा इन्होंने कौन सी निर्जरा की, तो अकाम निर्जरा की। एक सकाम होती है जिसको सविपाक बोलते हैं और एक अविपाक निर्जरा होती है। तो यहाँ सकाम निर्जरा नहीं अकाम निर्जरा की बात हो रही है। सकाम निर्जरा के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अकाम निर्जरा के द्वारा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अकाम निर्जरा सबकी होती है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सबकी हो सकती है, लेकिन सकाम निर्जरा जो होती है तपसा निर्जरा च, तो व्रत नियम के साथ जो निर्जरा होती है वही कार्यकारी होती है। अब इसके पहले जितने भी आत्मा परमात्मा बने हैं उन्होंने सविपाक निर्जरा किया है, उस सविपाक के कारण उनको मुक्ति मिली है, लेकिन अविपाक के द्वारा कभी भी मुक्ति नहीं होती। तो वे अकाम निर्जरा किया, अकाम निर्जरा उसको कहा जाता है कि आई हुई आपत्ति को सहज भाव से सहन करना, उसको बोलते अकाम निर्जरा। यानी क्षुदा आदि की विवश होकर मंद कषाय के कारण कर्मों का फल देकर स्वयं ही गिर जाने को अकाम निर्जरा कहते हैं। जैसे जानवरों को बांधा है, उसको समय पर हमने चारा नहीं डाला, उसको नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सहन किया, ये अकाम निर्जरा में आता है। जैसे जेल में एक डाकू है, वो घर में दो बार भोजन करता था, लेकिन जेल में उसको एक ही बार 12 बजे भोजन दिया, उसका यकासन है क्या? नहीं है। उसको नहीं मिला इसलिए सहन किया, मिलता होता तो खा लेता था। तो आई हुई आपत्ति को सहन भाव से सहन करना, नहीं मिला इसलिए सहन किया, और मिलता भावना थी मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। जैसे आप लोग यात्रा करते हैं, यात्रा करते समय जो कोई प्रतिमा घर है कोई क्या है, वो क्या करता है कि पहले से संकल्प करता है कि हमारा कल का उपवास है। और आप समझ लो मेहमान के गांव सुबह निकले थे और ऐसे गांव गए कि बीच में गाड़ियां कम मिलती हैं, और ऐसे एक चौगड्ढा पर उतरे, वहां कुछ भी नहीं खाने को, और शाम तक उनके घर पहुंच गए 5 बजे तक, तो सुबह से कुछ नहीं खाया। तो ये आपका अकाम निर्जरा में क्या सकाम निर्जरा में, मिला नहीं इसीलिए खाए नहीं, क्योंकि पहला हमारा संकल्प नहीं था, मिलते तो खा लेते थे। तो ऐसे जैसे तीरें जो के लिए मनुष्य के लिए कहा जाता है कि ऐसे जो आई हुई आपत्ति को सहज भाव से सहन करना और मंद कषाय के कारण कर्मों का फल देकर स्वयं मुख्य जाना, इसको अकाम निर्जरा कहते हैं। तो ऐसे अकाम निर्जरा करने वाला व्यक्ति कहा जाता है कि भवनो त्रिकमि सुरतन हरे। देव चार प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी किसको कहते हैं इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। जिसका स्वभाव भवनों में निवास करना है वे भवनवासी है, जो भवनों में रहते उसको भवनवासी कहते हैं। और व्यंतर किसको कहते हैं, जिनका स्वभाव नाना प्रकार के देशों में निवास करना है वे व्यंतर।
आणि इधर उधर विचरण करते रहते हो उनको व्यंतर बोलते, एक जगह नहीं रहते हो वो इधर उधर नाना प्रकार के देशों में निवास करना विव्यंतर होते हैं। और ज्योतिष का देव ज्योतिर्मान होने के कारण सूर्य चंद्र सूर्य आदि ज्योतिष ज्योतिषी देव कहलाते हैं। सूर्य है चंद्र है यानी ज्योतिर्मान होने के कारण चंद्र सूर्य आदि ज्योतिषी देव कहलाते हैं। और वैमानिक जो विमानों में होते उसको वैमानिक कहते हैं, जो विमानों में होते हैं उनको वैमानिक कहते हैं। तो इस तरह चार प्रकार के देव होते हैं। लेकिन अकाम निर्जरा करने वाला जीव कहाँ जन्म लेता है? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष की तीन निकायों के यानी समूह को भवनात्रिक कहते हैं। और वहां वे जन्म लेने के बाद लेकिन ऐसे पर्याय को प्राप्त करने तो विशेष रूपी चाह की रूप अग्नि में जलता रहता है। देखो बहुत अच्छा जाना है यहाँ भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष विषय रूपी चाह में जलते रहते हैं। जो व्यक्ति जलता है विषयों में वो हमें सुखी नहीं कर सकता। हमारे जिनेंद्र भगवान के मंदिर में वीतराग भगवान के अलावा जो देव है किसमें आते हैं? जैसे देवी है वो आती व्यंतर में, किसमें आते हो? व्यंतर में आते हैं। और जैसे धर्मेंद्र आदि कहा जाता है वे भवनवासी में आते हैं। दोपहर की क्लास में इसका विषय और बताना है अपने को। तो अब देखो व्यंतर विषय की चाह में जलते रहते हैं और जो विषय की चाह में खुद जलते रहते हैं वो हमें सुखी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और कल हमने दोपहर के क्लास में बताया था कि भवनात्रिक में जन्म होता है मिथ्यात्व के साथ, नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हो जन्म लेते समय, बाद में हो या न हो कोई नियम नहीं। किसी को हो सकता है समय दर्शन और सबको हो ये कोई नियम नहीं। तो मिथ्या दृष्टि होते है वो, और इसलिए वे विषय की चाह में सदा जलते रहते हैं। और ऐसे जलने वाले लोग अंत में मरते समय क्या होते हैं कि मरत विलाप करत दुख सहयो, और मरते समय रो रो कर दुखों को वो सहन करते हैं। जो विषयों में रहते हैं और जिनका मरण होता है और मरते समय जो दुखी होते हैं वे पूज्य कभी भी नहीं होते। समझ में आ रहा है? जो विषयों में जलते रहते हैं इच्छा विषयों की सजा रखते रहते हैं और मरते समय रोते हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य गति में देख लेना जो सम्यक दृष्टि होता है वो आयु जब मरने का समय आता है संलेखन आदि करता है वो रोता नहीं, क्योंकि वो जानता है हमें एक दिन मरना है, हमारी आयु समाप्त होने वाले। तो उसी तरह वे रोना ही कितना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन देव होकर भी वे रोते हैं और ऐसे दुखों को सहन करते। और ऐसे दुखों को सहन करने वाले और मरण होने वालों को तो पूज नहीं सकते हम। जिनका मरण होता है उनको पूज नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी मरण होता है, क्योंकि 18 दोष जिसके पास नहीं उसको हम पूछते। जन्म मरण बाकी का नहीं जानते, इतना याद रखना। मरण करता है तो देव में नहीं आता यानी पूज्यता में नहीं आता। जन्म और मरण को संसार कहा है, और जिसका जन्म मरण छूट गया ऐसे मुक्त आत्मा ही पूज्यता को प्राप्त करता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। और ऐसे भी भवनात्रिक जीव मरते समय 6 महीने पहले वो
अब एक भी प्रश्न उठता है, वो कैसे रोने लगे, उनको कैसे मालूम हो गया? तो भवनैतिक जीव मरने से पहले 6 महीने पूर्व में क्या होता है, उनकी जो गले में मंदार माला होती है वो मुरझाने से, या उनके आभूषण होते हैं वो कांति से हीन होने से मरण का समय निकट जानते हैं। वो आभूषण जब कांति से हीन हो जाता है या माला मुरझाने लगती है तो समझ लेते कि हमारा मरण निकट आया है, और जानते ही ये कहते ये वैभव माँ मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये देवांगना है मुझे छोड़ना पड़ेगा, और ये मुझे पुनः कब और कहाँ मिलेंगे, इसके कारण वो रोता है। देखो मरते समय भी इच्छा कर रहा है किसकी, ये देवांगना कब में ऐसी मिलेगी, ये हमें वैभव ऐसा कब मिलेगा, और इसको मुझे अब छोड़ना पड़ेगा, ऐसा विचार करते करते विलाप करते हुए वो दुखी होता है और उसी के साथ उसका मरण वहां हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पूज्यता कहाँ होती है, सामान्य देव है, सामान्य देव का अर्घ्य नहीं चढ़ता, सामान्य देव को अभिषेक नहीं होता, सामान्य देव की पूज्यता 3 काल में नहीं होती। किसी भी आचार्यों ने इनका ना अभिषेक पाठ लिखा है न इनको पूजो कहा है, उन्होंने इतना कहा है कि वीतराग भगवान 1800 दोषों से जो रहित है उन्हीं में पूज्यता है, इसका विषय दोपहर को और विषय हम बताएंगे। तो इस तरह ये विलाप करते हुए बस समाप्त हो जाता है। अब अंतिम छंद लेना है अपने को पहले ढाल का, जो विमान वासी हूँ थाए, सम्य दर्शन बिन दुख पाए, कहते जय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यग दर्शन बिन दुख पाए, तहाँ ते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। इंद्रियों के विषय की सेवन की इच्छा करने वाले भावनात्रिक दावाग्नि के समय समान जलते रहते हैं, और इसलिए विषय चाह को दावानल की संज्ञा दी है। अब जो विमानवासी देव होते हैं वैमानिक देव भी हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना दुख को पाया। सुख कहाँ है और दुख किसके द्वारा मिलता है, उसका भी यहाँ उत्तर दिया जा रहा है। सम्यक दर्शन बिना दुख व्यक्ति प्राप्त करता है, अनेक सुख कहाँ मिलता है, सम्यक दर्शन के साथ ही सुख मिलता है, और सम्यक दर्शन के अभाव में व्यक्ति सदा दुख को ही प्राप्त कर लेता है, और वहां से मर कर
स्थावर यानी स्थावर जीव का शरीर धारण किया। इस तरह जीव पांच परावर्तन को पंच परावर्तन को पूर्ण किया। वैमानिक देव के दो भेद होते हैं, एक कल्पोपपन्न और एक कल्पातीत। तो 16वें स्वर्ग तक के जो होते उसको कल्पातीत बोलते हैं और उसके बाद ये कल्पोपपन्न बोलते हैं और उसके बाद कल्पातीत होते हैं। तो जहां कल्पना की जाती है, तो ये जो 16 स्वर्ग 9 ग्रहों के देवों में पैदा हुआ है जो वैमानिक है, वहां इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख को प्राप्त किया और वहां से मरकर थावर यानी पृथ्वी का एक आदि स्थावरों में शरीर धारण किया और इस प्रकार तिरंज गति में जा पहुंचा। देव गति वाला कौन सी गति में चला गया? तिरंज में चला गया। और इस तरह जीव संसार में अनादि काल से घूम रहा है और इस प्रकार पंच परावर्तन उन्होंने पूर्ण किया है। क्योंकि भवनात्रिक में यानी वहां के जीव मरने के बाद पृथ्वी काय जल काय और प्रत्येक वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं। अग्नि काय और वायु काय तथा विक्लत्र में नियम से उत्पन्न नहीं होते। ये कहाँ का होंगे उत्पन्न? यानी पृथ्वी काय जल काय और वनस्पति काय में जन्म ले सकते हैं। अग्नि काय और वायु काय तथा विक्लत्र में नियम से उत्पन्न वे नहीं होते। आपके पास मराठी किताब है, उसमें देख लेना। विमान में बैठा है वैमानिक देव और खिड़की में से देख रहा है। कहाँ देख रहा है? मुझे जन्म कहाँ लेना है? और नीचे क्या दिखाया है? ऐसे बांध दिखाया है। और कहाँ दिखाया? स्थावर में यानी वृक्ष में जाना है उसको। अभी वट का वृक्ष बनना है, उसको स्थावर में आना है। कहाँ देव और कहाँ आ रहा है? किसके कारण आ गया? सम्यक दर्शन के बिना दुख पाए। सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण देव भी नीचे आ गया, स्थावर में आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि सम्यक दर्शन का महत्व बहुत है। और इसीलिए पांच परावर्तन इसको थोड़ा सा जानेंगे, 5-10 मिनट अभी है अपने पास। तो पांच प्रकार के परावर्तन होते हैं, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। इस तरह पंच परावर्तन होता है। यानी परिवर्तन यानी क्या होता है इसमें? तो जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करने को परिवर्तन कहते हैं। पंच परावर्तन शब्द आया ना वहां, यो परिवर्तन पूरे करे। परिवर्तन में क्या होता है? जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करने को परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे परिवर्तन यानी परावर्तन पांच है। द्रव्य परिवर्तन किसको कहते हैं? तो जो नौ कर्म पुद्गलों को अमुक क्रम से ग्रहण करने और भोग कर छोड़ देने रूप परिभ्रमण का नाम द्रव्य परिवर्तन है। जो कर्म पुद्गलों को अमुक क्रम से ग्रहण करता जाएगा और भोग कर छोड़ देने रूप परिभ्रमण को द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। क्षेत्र परिवर्तन यानी लोकाकाश के सब प्रदेशों में अमुक क्रम से उत्पन्न होने यानी लोकाकाश के सब प्रदेशों में अमुक क्रम से उत्पन्न होने और मरने रूप। उत्पन्न होना और मरना, लेकिन कैसे? क्रम से एक के बाद एक। ऐसे मरने पर जो परिभ्रमण का नाम क्षेत्र परिवर्तन है, ये
इसको बोलते हैं छत प्रेम। तो आचार्य कहते हैं कि एक जगह ऐसा नहीं रहा आपने उस क्षेत्र में जन्म नहीं लिया। हम क्या कहते हैं, अमेरिका कैसे होगी क्या पता, उधर ये कैसा हो, ऐसा एक क्षेत्र नहीं बचा वहां जन्म नहीं लिया। सब क्षेत्रों को हमने जन्म लिया है, तीन यानी यहाँ एक ऐसी जगह खाली नहीं वहां हमने जन्म नहीं लिया है। सब जगह हमने जन्म क्षेत्र का परिवर्तन हमने किया है, काल परिवर्तन क्रम से लेना है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के सभी समयों में क्रम से उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के सभी समयों में जन्म लेने और मरने रूप परिभ्रमण का नाम काल परिवर्तन है। क्रम से उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के सभी समयों में जन्म लेने और मरने रूप परिभ्रमण का नाम काल परिवर्तन है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कितनी होकर गए, अभी अनंत होकर गए, और ऐसे काल में समयों से एक समय में जन्म ले लिया अवसर्पिणी में, बाद में उत्सर्पिणी में करना, ऐसे करते हुए दोनों कालों को पूर्ण, और बीच में एक जगह छूट जाए तो उस काल को छोड़ देना और पहले से गिनती करना, ऐसे करते हुए अनंत काल निकल गया। तो अवश्य प्रत्येक समय में जन्म लिया और मरण किया, ये अनंत काल का हमारा इतिहास है। और भव परिवर्तन नरक आदि गतियों में बार बार उत्पन्न होकर जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत सब आयु को भोगने रूप परिभ्रमण का नाम भव परिवर्तन है। तो नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, तीरेज गति सबके साथ लगाना, और इसमें क्या करना, बार बार उत्पन्न होकर जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत सब आयु, प्रत्येक की आयु जघन्य कितनी है, उत्कृष्ट कितनी देख लेना, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय पशु पक्षी तक जघन्य कितना सबका, उत्कृष्ट कितना, मनुष्य का जघन्य कितना, उत्कृष्ट कितना, और देव का जघन्य कितना, उत्कृष्ट, और मनुष्य का, ऐसे चारों गतियों को, नारके का भी ऐसे करते हुए चारों गतियों में उन्होंने क्या किया, बार बार उत्पन्न का जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत सब आयु को भोगने रूप जो परिवर्तन किया उसको क्या बोलते, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। अंतिम सब स्थानों, सब योग स्थानों और सब योग स्थानों और कषाय स्थानों के द्वारा सब योग स्थानों और कषाय स्थानों के द्वारा क्रम से ज्ञानावरण आदि सब कर्मों की, क्रम से ज्ञानावरण आदि सब कर्मों की जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति को, जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति को भोगने रूप परिभ्रमण को भाव परिवर्तन कहते हैं। जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति को भोगने रूप परिभ्रमण को भाव परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह पांच परिवर्तन हो गया, और इसका ज्यादा आपको जानकर लेना है तो संसारिनो मुक्ताश्च इस सूत्र का आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में उल्लेख किया है। पढ़ने के बाद ऐसा लगता है सब संसार क्या है मालूम होता है, द्रव्य
क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तन करते करते अनंत काल निकल गया और उसका एक ही कारण है मिथ्यात्व। और इस मिथ्यात्व से अपने को छूटना है क्योंकि दुखी होने का कारण है वो मिथ्यात्व। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक आत्मा सदा उसके साथ कर्मों का संबंध रहेगा और सदा वो दुखी रहेगा। और इसलिए कहते सम्यक दर्शन के द्वारा ही सुख मिलता है। तो ऐसे पंच परावर्तन करते हुए आज अपना ही पहली ढाल पूर्ण हो गई। क्योंकि पंच परावर्तन का विषय वैसे बहुत है क्योंकि उसको इस विषय को आप अगर सर्वसिद्धि में पढ़ेंगे तो विशेष का और जानकारी हो जाएगी। क्योंकि द्रव्य क्या है, क्षेत्र क्या है, भाव क्या है और भव क्या है, तो इस तरह पूर्ण हो गया। जय दुख का